हाँ जी स्टूडेंट्स, सो आज दी वीडियो अपनी बार ग्राफ दे उपर है। इट इज मल्टीपल वर्टिकल बार ग्राफ। इस तो पहला भी वीडियो पाइया, तुहानू सब नू पता है कि जिहड़ा बार ग्राफ 90 डिग्री ते है वह वर्टिकल है, जिहड़ा 180 या 360 ते है डैट इज होरीजोंटल। इहनू आपां कोलम ग्राफ भी कह सकते हैं बिकॉज रोज एंड कोलम्स जिवें आपां गल करते हैं। सो इट इज वर्टिकल ग्राफ, बार ग्राफ, एंड मोर ओवर इट इज मल्टीपल इन नेचर। जे सिंगल दिता है डैट इज सिंगल, जे दो दिते आ एक दे विच डैट इज ड्यूल, पर हुण दो तो ज़्यादा ने, यू कैन ऑलसो यूज वर्ड ट्रिपल, अदरवाइज तुसी मल्टीपल यूज करो, डैट विल बी सफिशेंट हीयर। ओके, सो उन्हें कहा द बार ग्राफ शोज द परसेंटेज ऑफ हाउस होल्ड्स विद कार्स इन अ यूरोपियन कंट्री बिटवीन 1971 एंड 2001। ओवरऑल देखे रहे 30 साल की गल कर रहे हो, 71, 81 10 ईयर्स, 81 टू 91 10 ईयर्स, 91 टू 2001 10 ईयर्स, मतलब 3 डेकेड्स की गल कर रहे हो। उन्हें कहा 30 सालों के इंग्लैंड के जिन्हें लोगों के अपनियां कारां सीगियां या कार का जो भी ओनरशिप सीगी उहदी गल की गई है। सो प्लीज स्टार्ट राइटिंग। द मल्टीपल बार ग्राफ सो ये वीडियो आप फिरोजपुर तो अपलोड कर रहे हैं, बाबा एल्स फिरोजपुर तो, ठीक है जी। द मल्टीपल वर्टिकल बार ग्राफ डिपिक्ट्स, डिपिक्ट मतलब शो करना। सो बार ग्राफ लगा होया, सो इतने आप एस ई एस और आई ई एस यूज करांगे वर्ब की फस्ट फॉर्म के नाल, प्रेजेंट इनडेफिनेट की गल करावांगे। ठीक है, डिपिक्ट्स द प्रपोर्शन ऑफ हाउस होल्ड्स यूजिंग कार्स इन अ यूरोपियन इधरों ने लिखिया यूरोपियन कंट्री, आप लिख देंगे यूरोपियन नेशन फुल स्टॉप। मैं नहीं इकट्ठी लाइन च लिखांगा बिटवीन 1971 एंड 2001, मैं इनू फुल स्टॉप लगा के नैक्सट लाइन के बना के लिख रहा। द डेटा हैज बीन रिकॉर्डेड फ्रॉम 1971 टू 2001। सो द डेटा हैज बीन रिकॉर्डेड फ्रॉम 1971 टू 2001। इंट्रो खत्म होगी सारी, हुण वारी है ओवरऑल दी। बच्चे ध्यान नाल जे तुसी अपने स्क्रीनस ते देख रहे हो, स्क्रीन दे उपर देखो ते तुहानू साफ पता लगूगा आ जिहड़ी ब्लू कलर दी लाइन है, ब्लू कलर दा ग्राफ है, ये पासिंग ईयर दे नाल नाल डिकलाइन कीता है। सो अपने कोल एक ओवरऑल आ गया कि जिवें जिवें समा बीतदा गया, बच्चे तुहाडे सैलफोन तुहाडे कोल अपनी इमेज नहीं हैगी, हाँ जिवें जिवें समा बीतता गया उन्दे नाल नाल आ ग्राफ डिकलाइन हुंदा रहा, मतलब जिन्हां कोल कोई भी कार नहीं सीगी उन्हां दी प्रपोर्शन घटती गई, इहदा मतलब लोगों कोल कारां आंदियां गईआं। पर नाल ही आपां ऑन द कंट्रेरी गल करिए, जिहड़े पिंक कलर है घटिया वधिया घटिया वधिया, येलो कलर घटिया वधिया ये घटदा वधदा रहा। ठीक है, सो आपां की यूज़ करांगे ओवरऑल कौमा द परसेंटेज ऑफ पीपल विदाउट कार्स हैड डिक्लाइंड कॉन्टीन्यूसली हैड डिक्लाइंड, डिक्लाइंड का मतलब डिगना डिक्रीज्ड कॉन्टीन्यूसली ड्यूरिंग ड्यूरिंग द मैनशनड पीरियड। मैं ठीक कह रहा, ड्यूरिंग द मैनशनड पीरियड। हाउ एवर, हूँ हाउ एवर तो पहला तुम्हें पता ही है सैमी कॉलन लगेगा, उस तो बाद कौमा। हाउ एवर द रेशो ऑफ
दोस हैविंग वन और मोर देन टू कार्स. द रेशियो ऑफ दोस हैविंग वन और मोर देन टू कार्स फेस्ड मिक्स्ड इंप्रेशंस. की कहांगे फेस्ड मिक्स्ड इंप्रेशन. इहदा मतलब की हुंदा मिक्स दा रलिया मिलिया जो एक्सप्रेशन रहा घटे भी ते वधे भी घटे भी ते वधे भी. ओवरऑल इज क्लीयर टू यू स्टूडेंट्स. बस इत्थे एक बार ब्रेक लगा दो. हुण मैं तुहाडे दो बीपी बनवावांगा. फर्स्ट बीपी दे विच मैं गल करांगा 1971 दी एंड 1981 दी. नैक्सट बीपी च मैं गल करांगा 1991 दी 2001 दी. क्लीयर हो गया बच्चे. सो तुसीं हुण इन्ना देखो 71 दे विच जिन्हां कोल कोई कार नहीं सी ओह 40 ते 50 दे विच है. सो इट मीनस 45%. पिंक कलर 30 तो 40 दे विच है इट मीनस 35%. येलो कलर 20 तो 30 दे विच है इट मीनस 25%. सो लिखो फर्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट है. इन 1971 कॉमा एक मिनट मैं तो स्पेसिंग थोड़ी ज़्यादा छड़ देने लगा सो डैट कि तुहानू क्लीयर हो जाए सारा. 45% मासिस हैड नो कार. 45% लोगों के कोई भी कार नहीं सीगी बट 35% एंड 25% ऑफ पीपल हैड वन कार एंड मोर देन टू कार्स वेरी नाइस रिस्पेक्टिवली. बट 35% ते 25% लोग एहोजे सीगे जिन्हां कोल एक कार ते दो तो ज़्यादा कारां सीगियां रिस्पेक्टिवली. मैं अपनी पहलियां वीडियोज़ दे विच भी तुहानूं दस चुकिया कि रिस्पेक्टिवली लगाना बहुत आसान है. ए एंड बी रिसीव्ड 6 and 7 बैंडस रिस्पेक्टिवली. इहदा मतलब एंड तो पहलां वाले बैंड एंड तो पहलां वाले इंसान दे है एंड तो बाद वाले बैंड एंड तो बाद वाले इंसान दे है रिस्पेक्टिवली लग गया. एक बार रिस्पेक्टिवली लग गया दूसरी बार आइसोलेटरी लगाओ सपरेटरी लगाओ कोरेस्पोंडिंगली लगाओ इंडिविजुअली लगाओ. ठीक है पर रिपीट ना करो. रिपीट करन तो बचो जिन्ना बच सकते हो. ठीक है फुल स्टॉप. देखा जाए तो 1971 की गल तो हो भी गई. ठीक है आफ्टर अ डेकेड मतलब 10 साल बाद कोमा द प्रोपोर्शन ऑफ दोस विदाउट कार्स द प्रोपोर्शन ऑफ दोस विदाउट कार्स. हम देखो विदाउट कार कितने आ गया 40% आ गया एंड सबनों पता कि 40% मतलब होंगे है 4 in 10 तो या 2/5 क्योंकि 100 का पंजवा हिस्सा कि 20% 20 का डबल कि 40. सो द प्रपोर्शन ऑफ दोज विदाउट कार्स ड्रॉप्ड ऑन 2/5 ड्रॉप्ड ऑन 2/5 की जी आली प्रपोर्शन सी घट के किन्ने आ गई 2/5 ते आ गई. 2/5 विच हाइफन लगा लियो बच्चे. ऑन द कंट्रेरी द रेशियो ऑफ द रेशियो ऑफ वन कार ओनर्स द रेशियो ऑफ वन कार ओनर्स अपसर्ज्ड क्योंकि देखो रेशो वधी है ना पिंक कलर बद गया पिंक कलर वधे है अपसर्ज का मतलब इनक्रीज अपसर्ज्ड एंटर्स्ड जस्ट ओवर 4 in 10 जस्ट ओवर 4 ए तड़ी वो कैब है सारी उन्हें पता भी है दोनों लाइन च इन्हें 40 की गल की है पर एक बार उन्हें लिखिया 2/5 एक बार बच्चे ने लिखिया है 4 in 10 जस्ट ओवर मतलब 41, 42, 43 आप लिखिए 41, 42, 43 आप कहेंगे जस्ट ओवर जस्ट अबव अप्रोक्सीमेटली रफली अराउंड नीयरली एहोजी वो कैब यूज करो ना. इज इट क्लीयर फुल स्टॉप. द परसेंटेज ऑफ पीपल
द परसेंट ऑफ पीपल विद मोर देन टू कार्स had also inclined मतलब आवी बदी inclined and reached one third. ध्यान देखो आ जो yellow color है आवी बदी है तो यह 33% के नेड़े है बच्चे 30 to 40 तो बिल्कुल विचकार नहीं है सगो 30 to 35 हल्का है विचकार है सो 33% एंड वॉट इज द मीनिंग ऑफ 33% वन थर्ड क्योंकि 100 × 1/3 = 33 यद मतलब 66 की होगा 2/3 ठीक है सो ये 1/3 ते आ गया सो दिस इज योर बॉडी पैराग्राफ 1 पहले दो ईयर आप एक्सप्लेन करते चंगी तरह कोई ट्रबल तो नहीं आई ठीक है अगला बीपी इना बच्चे क्लीयर हो गया सारे यानू हम जिमें जिमें समा निकल रहे हैं आप कंपलैक्सिटी थोड़ी थोड़ी लैके आईए पर होगी सिंपलिसिटी ताड़ी निगाह दे विच कंपलैक्सिटी है क्योंकि तुसी ये चीज़ कभी एवें कीती नहीं सो मूविंग फरदर कौमा इन 1991 अगेन कौमा द प्रपोर्शन ऑफ इंडिविजुअल्स द प्रपोर्शन ऑफ इंडिविजुअल्स विदाउट कार्स द प्रपोर्शन सिंगलर है सो वोज आऊगा इतने हम विदाउट कार्स हम इतना वर ना लगा दियो मैं प्रपोर्शन सब्जेक्ट लेके चल रहे हैं इतने वोज ऑलमोस्ट पहले मैं बोल लैन दो उस तो बाद मिलाओ मैं की कहना चाह रहा सीगा ठीक है Without cars was almost the same as that of people with two cars in 1981. मैं कुछ कहा इन्दे विच समझो मैं की कहा मैं कहा कि 1991 दे विच आ जिहड़ी नीलियां दी प्रपोर्शन सीगी ए जिहड़ी 1981 दे विच पीले दी प्रपोर्शन सीगी ना उन्दे ऑलमोस्ट सेम है उन्दे नाल इज इट क्लीयर नाउ So people having no car in 1991 and that the proportion was almost similar to the proportion of people those who were having two or more cars in the year 1981 is it clear so eh apni nigah de vich keh sakde ha assi complex sentence banata but realistic sentences ne eh banane bahut zaruri ne is it clear chalo moreover people with a single car ek minute ruk jao moreover the proportion of the percentage of people with a single car टैंक हुंदा गिरना हाँ जी मोर ओवर कोमा द परसेंटेज ऑफ पीपल विद अ सिंगल कार जेड़े लोगों को सिंगल कार सी उन्हां दी परसेंटेज टैंक्ड हुंदा गिरना ठीक है टैंक्ड दिस ईयर इस साल उन्हां दी प्रपोर्शन डिगी दिस ईयर एंड रीच्ड जस्ट अंडर 40% हूँ जाके मैं 40% यूज़ किया है ध्यान नाल देखो आ 40% तो हल्का या थले है गुलाबी कलर ये आ रहा 40 तो हल्का या थले 38, 37, 39 सो मैं की वर्ड यूज़ किया जस्ट अंडर 40% इज इट क्लीयर फरदर कौमा हूँ देखो आ जो येलो ने इन्हों की प्रपोर्शन कितने डिग के आ गई 30 के 30 तो थोड़ा थले है कि एग्जैक्टली 30 है मैनू ऑलमोस्ट 30 लगती पई है देखो 29 to 31 ये मतलब ऑलमोस्ट है आपां नूं ऑलमोस्ट लग रही है फरदर कोमा द रेशो ऑफ टू कार्स
ओनर्स ये भी डिगी है, पहले ज्यादा सीगी हुण गिरी है, हुण आपां की वर्ड यूज करांगे? हाँ वेरी नाइस, फर्दर द रेशियो ऑफ टू कार ओनर्स PLUNGED प्लंज डाउन, सैकेंड फॉर्म यूज कर रहे हैं, प्लंज हुंदा गिरना PLUNGE, हुण प्लंज लगूगा सैकेंड फॉर्म प्लंज डाउन ऑन 3 in 10 रफली ऑन रफली 3 in 10 3 in 10 का मतलब 30%, इट्स क्लियर? बस हम लास्ट ईयर आ गया 2001, ठीक है। फाइनली कोमा इन 2001 अगेन कोमा द प्रपोर्शन ऑफ इंडिविजुअल्स विदाउट कार वॉस, बच्चे हुण ध्यान नाल देखो, हुण आ ब्लू कलर मैनू जस्ट ओवर 30 लग रहे है, ज़्यादा सिर खपाई ना करो एग्जाम च, टाइम नहीं हुंदा इन्ना, 30 वेखो जो इक्वल लग रहा, ठीक है ना, ला दो रफली अप्रोक्सीमेटली राउंड, जस्ट अबव जस्ट बिलो ला दो, टाइम वेस्ट ना करो अपना। द प्रपोर्शन ऑफ इंडिविजुअल्स विदाउट कार वॉस जस्ट ओवर 30%, जस्ट ओवर 30% फुल स्टॉप, बिसाइड्स कॉमा द परसेंटेज ऑफ, बिसाइड द परसेंटेज ऑफ द परसेंट परसेंटेजेस ऑफ वन कार एंड मोर देन टू कार ओनर्स वर, सो वन कार एंड टू कार ओनर्स वर, आ देखो हुण आ जिहड़ा पिंक कलर है एग्जैक्टली 50 पहुंची होया है, तो जिहड़ा येलो है वह कितने पहुंची होया एग्जैक्टली 40, वेखे रहा भी एग्जैक्टली नहीं है, हल्का या थले नहीं लग रहा, हल्का या थले लग रहा। सो द परसेंटेजिस ऑफ वन कार एंड मोर दैन टू कार ओनर्स वर एग्जैक्टली हाफ, एग्जैक्टली हाफ एंड 38% सेपरेटली, क्योंकि हुण मैं रिस्पेक्टिवली यूज नहीं कर सकता ना, 38% सेपरेटली। सो दिस इज योर टास्क वंस एंड, इज इट क्लियर? सो इन केस ऑफ एनी ट्रबल, देखो इनू प्रैक्टिस करो, इनू देखो, जो कोई ट्रबल आती है तुसी डायरेक्टली मैनू अप्रोच कर सकते हो। ओके, थैंक यू।